हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे तीनों युगों में इस्तेमाल करने वाले विमान के बारे में। त्रेता युग में विमान के श्रेणी को मंत्रिका कहते थे। द्वापर युग में विमान के श्रेणी को तंत्रिका कहते थे। और कलियुग में विमान के श्रेणी को कृतिका कहते थे। कृतिका श्रेणी में कुल 25 प्रकार के विमान आते हैं, जिनमें से हम चार विमान के बारे में जानेंगे, सकुना, रुकमा, सुंदरा और त्रिपुरा। अब हम जानेंगे सकुना विमान के कंस्ट्रक्शन के बारे में। सकुना विमान एक पक्षी के आकार का विमान था। सकुना विमान में सन क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि सन क्रिस्टल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसमें से एनर्जी बनाता था। सकुना विमान तीन पहियों वाली विमान था, जिसमें 28 कंपार्टमेंट और अंदर से खोखला रहता था। चार हीटर, सक्शन पाइप, वाटर हीटर, एयर हीटर, ऑयल टैंक, बॉयलर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वेदर रडार, इंजन, दो पंख और एक किरण आकर्षक मणि था। सकुना विमान का संरचना करने के लिए फ्लो बोर्ड या फिर एक मेटल सीट का यूज़ किया जाता था। इसमें राजा लोहा का इस्तेमाल किया जाता था। राजा लोहा का मतलब ये है आज के समय में हम यूज़ करने वाले कंपोजिट मटेरियल। इसमें तीन पहिए का इस्तेमाल किया जाता था, दो पहिए पंखों के नीचे और तीसरा पहिया विमान के सेंटर में रहता था। सकुना विमान में जो एयर टैंक हैं उसमें चमड़े का इस्तेमाल किया गया है। अब हम जानेंगे सकुना विमान कैसे काम करता था। सकुना विमान एक तीन मंजिला विमान था, जिसके ऊपरी भाग में एक लोहे का या धातु का पाइप था, जिसके ऊपर एक सूर्यमणि या फिर सन क्रिस्टल लगा रहता था, जो कि जिसका इस्तेमाल करके सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता था। उसके नीचे वाले मंजिल पर चार हीट इंजन लगे हुए रहते थे। ये चार हीट इंजन लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। दूसरे वाले मंजिला में अग्नि यंत्र रहता था। तीसरी मंजिला में चार एयर कंप्रेसर था, जिसको चलाने के लिए स्टीम इंजन का यूज़ किया जाता था। स्टीम इंजन को पावर चार हीट इंजन से आते थे। सकुना विमान में छोटे छोटे पंखों को मिला के एक बड़ा पंख का निर्माण किया गया था। ये पंख खुल सकता था और बंद भी हो सकता था, एक डेल्टा विंग फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह। इसके साथ साथ उसमें एक एलिवेटर भी था। अगली वीडियो में जानेंगे रुकमा विमान के बारे में। थैंक यू।